सर, अभी एक मामला सामने आया जिसमें एक धमकी जैसा कुछ आया है, क्या है पूरा मामला सर? मामला यह है कि नगर पालिका में परसों बैठा हुआ था और मीटिंग चल रही थी हमारी सफाई कर्मचारियों के साथ जो है, उस समय एक फोन हमारे पास अज्ञात आया। उसने कहा कि यह जहानाबाद से लेके अहिया रायपुर तक की जो सड़क है इससे गड्ढा पड़े हुए हैं, इसको आपने क्यों नहीं बनाया। अब फोन में कहता क्या है, तो मुकेश अध्यक्ष बोल रहा है और अब सब शब्दों का इस्तेमाल किया उसने यहाँ। तो मैंने कहा भैया ये PWD की सड़क है, ये हमारी सड़क नहीं है। तब भी मैं कोशिश कर, कहता नहीं काम तुम्हारा है करने के लिए, तो मैंने फोन काट दिया। उसके बाद हमारे साथ बैठे कमल श्रीवास्तव विधायक प्रतिनिधि बैठे थे, तो मैंने कहा जरा इस नंबर से फोन करिए यहाँ। उस नंबर से जब फोन किया तो कहता क्या है कि मैं AK-56 या AK-47 क्या बोला उसने अपना, कहा कि मैं इससे मरवा दूंगा और मैं ऐसे बहुत लोगों देखा मैं आतंकवादी से घटना से मैं अभी छूट के आया हूँ जेल से और तुम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो, नगर पालिका लूट ले रहे हो, यह है इस तरह की बातें वो किसने किया, धमकी भरी बातें किया। इसकी आपने सूचना कहीं पे दी, शिकायत की? हाँ, इसकी शिकायतें कमल श्रीवास्तव की तरफ से जो है उन्होंने कोतवाली में FIR दर्ज कराई है और वो कल पकड़ भी गया है वो शख्स है। और मैं शासन से सुरक्षा की मांग करता हूँ यहाँ कि अगर ऐसी घटनाएं बराबर होंगी, मैं जनहित में काम करता हूँ, रात दिन दौड़ता रहता हूँ, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कैसे काम चलेगा, शासन से क्या आश्वासन मिला आपको आपकी सुरक्षा को लेकर? शासन से अभी मैं DM साहब से मिला हूँ, DM साहब ने पूरा आश्वासन दिया है मुझे यह है कि मैं इसको देखती हूँ, मैं करवाती हूँ, ये बात हुई।